यूपी के बागपत में ईद को लेकर पुलिस की सख्ती देखने को मिली, जहां पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की। ये फ्लैग मार्च कस्बा बड़ौद के मुख्य मार्गों से होता हुआ दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी ईद का त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएं। वहीं इस पर बड़ौद फुसवाली मस्जिद के इमाम मौलाना आरिफ उल हक ने भी लोगों से घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करने के लिए अपील की है। देखिए, कल ईद का त्यौहार है, ईद उल फितर का, उसको देखते हुए पूरे जनपद को सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। उसके दृष्टिगत लगातार भ्रमणशील है, पुलिस भी भ्रमणशील है और जो मजिस्ट्रेट उनके साथ में लगे हुए काउंटर पार्ट वो भी लगातार भ्रमणशील हैं। और उसी के दृष्टिगत आज हम लोगों ने अभी फ्लैग मार्च किया है, पूरे बड़ौद कस्बे में एक बार फ्लैग मार्च हो चुका और छपरौली की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अभी आगे भी हम लोग करेंगे। पंजाब के अमृतसर में घरेलू उड़ानें शुरू होते ही यात्रियों में अलग ही खुशी देखने को मिली, जहां कोरोना वायरस को लेकर सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी, उसके बाद आज ये घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, जहां अमृतसर के श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट से 6 उड़ानें आज रवाना होंगी। लगभग 2 महीनों के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर एक बार फिर रौनक देखने को मिली और इन उड़ानों के साथ लोगों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में 60 वर्षीय दुर्गावती चौहान अपने बेटे सर्वेश चौहान के साथ महाराष्ट्र के मलाड से ट्रेन द्वारा इलाहाबाद आई थी। वहां से बस द्वारा अपने गांव सिपाह जिला मऊ के लिए निकली थी। जब वो आजमगढ़ के नरौली पहुंची तो उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश हो गए। उनके बेटे ने एम्बुलेंस और अन्य सेवाओं के लिए फोन किया, लेकिन मौके पर कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ। पुलिस द्वारा बस से ही उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया कि कोरोना पेशेंट आया है और अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। सर्वेश अपनी मां के इलाज के लिए लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर उनको देखने के लिए आगे नहीं आया। घंटों बस अस्पताल में खड़ी रही और अस्पताल में खड़ी हुई बस में महिला का शव पड़ा रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर देखने के लिए आगे नहीं पहुंचा। मथुरा डीएम सर्वज्ञ मिश्रा ने ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों के साथ ईद की रौनक को बनाए रखा। कई जगहों से सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन से उन्होंने स्वयं मोर्चा संभाला। सभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए। डीएम सर्वज्ञ मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सिटी मजिस्ट्रेट श्री मनोज कुमार सिंह और आला अधिकारियों ने शहर का ड्रोन की मदद से जायजा लिया। वासियों को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये त्यौहार हम सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और महामारी से मुक्ति वाला जीवन हमारे सबके जीवन में लेके आएगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप अवगत हैं कि लॉकडाउन के समय पर सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रम या उनमें एकत्रित होना प्रतिबंधित है और पिछले दिनों में जब भी कोई ऐसा त्यौहार किसी भी संबंधित धार्मिक कार्यक्रम आया है सबने उसमें बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग दिया है, घरों में रहकर ही उसमें अपना जो कार्यक्रम है उसको किया है। इसी प्रकार से हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि सभी लोग अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज पढ़ेंगे। अकाली दल के नेताओं पर कांग्रेस के द्वारा हमले करवाए जाते रहे हैं। इससे पहले भी एक अकाली सरपंच की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पंजाब जो चिट्टे की गर्त में गिरता जा रहा है, वहां अब दिन दहाड़े गोलियों की खूनी लीला देखने को मिलती है, मानो किसी को पुलिस प्रशासन का डर ही ना रहा हो। ऐसा ही मामला बटाला के फतेहगढ़ चूड़िया रोड से आया है, जहां पर एक अकाली सरपंच की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई। गोलियां लगने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जहां पर अकाली दल के लीडर मंजू सिंह की मौत होने की पुष्टि हुई, उनके साथ एक एनआरआई लवप्रीत और एक युवक अर्श भी मौजूद था। उन दोनों युवकों को भी गोली लगने की बात सामने आई। शिरोमणि अकाली दल के माजा जोन के प्रधान रविकरण सिंह कहलो ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पहले भी अकाली दल के नेताओं पर कांग्रेस के द्वारा हमले करवाए जाते रहे हैं।